तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह के एक A4 साइज का पेपर ले लिया है जो कि येलो कलर का है। तो गाइज इसके जगह आप नॉर्मल वाइट पेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपको कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर फोल्ड कर लेना है राउंड शेप में, और इसको फोल्ड करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको फेविकॉल की मदद से चिपका दिया है। इसको फेविकॉल की मदद से चिपकाने के बाद अब हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा रेड टेप भी लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से मजबूत हो जाए। तो इसके मैं दो साइड में अच्छी तरह से रेड टेप को लगा देता हूँ तो ये मजबूत भी हो जाएगा और दिखने में भी हम लोग का थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो इसको इस तरह से चिपकाने के बाद ये फाइनल कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अब हम लोग इस तरह के एक और पेपर को लेंगे, तो ये ग्रीन कलर का, आप अपने हिसाब से किसी भी कलर का ले सकते हैं। तो इसे हम लोग कुछ इस तरह से थोड़ा सा मोटा करके मोड़ लेंगे। इसको भी मोड़ने के बाद मैंने इसको फेविकॉल की मदद से चिपका दिया है। अब इसे हम लोग थोड़ा सा तिरछा करके काट देंगे कुछ इस तरह से। इसको काटने के बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, इसको काटने के बाद हम लोग इस वाले पार्ट पे कुछ इस तरह से इसको चिपका देंगे। तो गाइस इसका चिपकाने वाला मेरा सीन थोड़ा कट गया था तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया, तो इसको मैंने नॉर्मली व्हाइट रेड टेप की मदद से चिपका दिया है। तो इसको इस तरह से चिपकाने के बाद अब हम लोग इस तरह के एक और पतला से स्ट्रैप लेंगे पेपर का, और इसका भी हम लोग कुछ इस तरह से छोटे से रोल में हम लोग इसको फोल्ड कर लेंगे। तो इसको भी फोल्ड करने के बाद मैंने इसको फेविकॉल की मदद से चिपका दिया है। तो इस चीज़ को हम लोग इस गन के आगे वाले पार्ट पे कुछ इस तरह से यहाँ पर फेविकॉल की मदद से चिपका देंगे। इसको चिपकाने के बाद अब हम लोग यहाँ पर एक और A4 साइज़ का पेपर लेंगे और इसे भी हम लोग नॉर्मली फोल्ड कर लेंगे। तो ये हम लोग का थोड़ा सा पतला होना चाहिए ताकि हम लोगों ने जो ये वाला गन बनाया था इसके आर पार कुछ इस तरह से आ जा सके। तो इसको इस तरह से करने के बाद अब हम लोग को करने के इसके पीछे हम लोग को एक रबर बैंड को फंसाना है कुछ इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने तीन रबर बैंड को जोड़ के यहाँ पर एक रबर बैंड बना लिया। इसे भी हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पर फंसा देंगे। तो इसको यहाँ पर इस तरह से फंसाने के बाद अब हम लोग इस तरह के एक और छोटा सा टुकड़ा लेंगे और इसे हम लोग इस तरह से रेड टेप की मदद से चिपका देंगे। तो गाइस मैंने आपको चिपकाने वाला सीन नहीं दिखाया है, अगर मैं वो सब अगर आप लोग को दिखाता तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा बन जाता। तो कुछ इस तरह से आपको लगा के ये आगे वाले रबर बैंड को इस जगह पर फंसा देना है, और आप नॉर्मली इसको पीछे से खींचेंगे और छोड़ेंगे तो ये काफ़ी तेज़ी के साथ वर्क करता है। तो चलिए हम लोग इसके गोली को भी बना लेते हैं जो हम लोग का बुलेट होता है। इसके बुलेट को मैंने वो बचे हुए चार्ट पेपर की मदद से बनाया जिसको मैंने रेड टेप की मदद से अच्छी तरह से मजबूत कर दिया है। तो आपको इसको चलाना कैसे, तो सिंपल सा आपको इसके आगे से कुछ इस तरह से बुलेट को लोड करना है, फिर आपको पीछे से इसको खींचना है। जैसे आप इसको खींचेंगे और छोड़ेंगे तो ये काफ़ी तेज़ी के साथ वर्क करता है। तो यहाँ पर आप लोग इसको कुछ इस तरह से चला सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आप लोग पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह का और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस